नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष मित्तल स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेनिस्कल रिपेयर्स के बारे में। मेनिस्कल रिपेयर कब करते हैं और कैसे करते हैं और किन कंडीशंस में मेनिस्कल रिपेयर को नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यहां पर बात करने वाला हूं ग्रेड 3 और ग्रेड 4 मेनिस्कल टीयर्स के बारे में, जिसमें प्रॉब्लम है पेशेंट को कि पेशेंट को पेन हो रहा है, पेशेंट का पैर में लॉकिंग हो रही है, यानी पेशेंट का नी जो जॉइंट है वो लॉक करता है, अटकता है और साउंड करता है, क्लिकिंग करता है, आवाज़ करता है। और हमने डिसाइड किया है कि आर्थोस्कोपी करेंगे। अब आर्थोस्कोपी जब हम करते हैं, यानी दूरबीन से जब हम ऑपरेशन करना चालू करते हैं, तो हम सबसे पहले नी जॉइंट के अंदर जो मेनिस्कल टेयर है उसको विजुलाइज करते हैं, उसको देखते हैं। जो मेनिस्कस होता है वो मैं आपको इस मॉडल से दिखाना चाहता हूँ कि वो मेनिस्कस कैसा हमें दूरबीन में दिखता है। तो आप इसको ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो नी जॉइंट है, ये ऊपर की थाई बोन है फीमर और ये नीचे की लेग बोन है टीबिया। इन दोनों के बीच में जो होता है हमारे मेनिस्कस होते हैं। तो मेनिस्कस दो होते हैं, एक तो आउटर लेटरल मेनिस्कस और एक इनर मीडियल मेनिस्कस। इन दोनों मेनिस्कस के बीच में, गद्दी के बीच में एक लिगामेंट होता है, इसको हम लोग ACL बोलते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाहर ही जो मेनिस्कस का हिस्सा है वो काफ़ी मोटा है और ये अंदर की तरफ जो जॉइंट की तरफ जाके टेपर हो जाता है, यानी बिल्कुल बाहर से मोटा होकर अंदर थिन आउट हो जाता है, पतला हो जाता है। जो बाहर का जो हिस्सा है, यहाँ पे खून का दौरा होता है, यानी ब्लड सप्लाई होती है। जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं तो खून का दौरा यानी ब्लड सप्लाई जो है वो कम होती जाती है, और जो बिल्कुल जो अंदर जो थिन एरिया होता है, इसका पतला फिल्म की तरह जो एरिया होता है, यहाँ पर कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। और बॉडी के जिन हिस्सों में ब्लड सप्लाई नहीं होती, अगर वहाँ चोट लग जाए तो फिर वो हील नहीं होता है। तो जो अंदरूनी हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं होती है, इसलिए इसको हम लोग वाइट वाइट जोन बोलते हैं। जो आउटर हिस्सा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है और ब्लड क्योंकि रेड कलर का होता है, इसलिए हम लोग इसको रेड रेड जोन बोलते हैं। इन दोनों जोन्स के बीच में एक और जोन है जिसको हम लोग रेड एंड वाइट जोन बोलते हैं, यानी लाल और सफ़ेद जोन। तो दोस्तों, अगर बाहरी हिस्से में रेड रेड जोन में अगर कोई भी टेयर है, कोई भी मेनिस्कस में चोट है, फटा हुआ है, तो उसमें हम लोग पूरी कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हम लोग रिपेयर कर पाएँ। अगर जो अंदरूनी हिस्सा है, जहाँ पे वाइट वाइट जोन में कट लगा है, टेयर लगा है, तो अक्सर यहाँ पे रिपेयर करना से फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ये हिस्सा हील नहीं होता। तो इसलिए बेटर होता है कि उसको हम लोग हमारे शेवर से, जो एक छोटी सी मशीन होती है दूरबीन से डाल के उसको, और हम लोग शेव करके उसको स्मूथ बना देते हैं। जो बीच का हिस्सा है, रेड एंड वाइट जोन है, इसमें भी हम लोग टेयर के पैटर्न के हिसाब से, या किस तरह का टेयर है, कितना पुराना है और पेशेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसमें रिपेयर करना है। पर अक्सर हम लोग इसमें रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, मेरे पास एक ये छोटी सी रिपेयर डिवाइस है जिसको आप देख सकते हैं। तो ये जो रिपेयर करने का तरीका है, इसको ऑल इनसाइड रिपेयर बोलते हैं। ऑल इनसाइड मतलब अगर आप इसको दूरबीन से अंदर डालेंगे तो जो पतला सा जो आगे पिन का हिस्सा है, ये अंदर टेयर के बीच में चला जाता है और इसको हम लोग इसमें डाल के और इसको पीछे से पुश कर देते हैं, दबा देते हैं, तो वहाँ पे वो एक जो सूचर होता है आके और अटक जाता है। फिर इसको बाहर निकाल के फिर वापस हम लोग डालते हैं। इस तरह स्टेपल से हम लोग इसको क्लिक करते जाते हैं और इसको रिपेयर करते जाते हैं। इसको ऑल इनसाइड टेक्निक बोलते हैं। कुछ समय पहले तक ऑल इनसाइड टेक्निक का डेवलपमेंट नहीं हुआ था, तो पहले हम लोग आउटसाइड इन टेक्निक किया करते थे, यानी बाहर से छोटा सा कट लगा के उसको फिर रिपेयर किया करते थे। ऑल इनसाइड टेक्निक बहुत ही अच्छी टेक्निक है, लेकिन क्योंकि ये महंगी है तो कई बार ये इसको रिपेयर हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। एक बार मेनिस्कस रिपेयर हो गया तो उसके हीलिंग के चांसेस बहुत ही बढ़िया होते हैं, और कुछ हफ्तों के बाद ये हील हो जाता है और उसके बाद फिर आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ चालू कर सकते हैं। ऑपरेशन के अगले दिन से पेशेंट को हम चला देते हैं। चलने के लिए हम लोग उसको वॉकर यूज़ करने की एडवाइस देते हैं 4 to 6 weeks तक। कुछ एक्सरसाइजेज हैं, कसरतें हैं घुटने के लिए, जो अगले दिन से पेशेंट को हम लोग चालू करवा देते हैं। लगभग 6 हफ्ते के बाद प्रॉपर फिजियोथेरेपी होती है और पेशेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसकी प्रोग्रेस के हिसाब से हम लोग उसको आगे गाइड करते हैं। 3 to 4 महीने के बाद पेशेंट को हम लोग अक्सर स्पोर्ट्स के लिए अलाउ कर देते हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं कि पेशेंट खेलने के लिए फिट है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ मैंने बात की है मेनिस्कल टेयर्स जो कि ग्रेड 3 and 4 है, और हम उन मेनिस्कस टेयर में अक्सर आर्थोस्कोपी करते हैं। अगर रिपेयरेबल है तो पूरी रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। अगर टेयर पुराना हो गया है और बिल्कुल रिपेयर करने लायक नहीं है, यानी कि वो क्रश हो गया है या फिर चीथड़े की तरह हो गया है उसका कुछ हिस्सा, तो उसको बेटर है
कि उसको हम लोग घिसके स्मूथ बना दें। कभी भी मेनिस्कस को पूरा नहीं निकाला जाता है दोस्तों। कुछ दोस्त मुझसे पूछते हैं सर क्या पूरा मेनिस्कस निकाल देते हैं? नहीं, जो हिस्सा रिपेयरेबल है उसको रिपेयर करते हैं और जो हिस्सा रिपेयर नहीं हो सकता उसको हम लोग स्मूथ बनाते हैं, घिसते हैं यानी डाइब्राइडमेंट करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। अगर सिग्निफिकेंट हिस्सा है, बहुत ज़्यादा हिस्सा मेनिस्कस का निकल गया है, तो फिर लॉन्ग टर्म में कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे आर्थराइटिस डेवलप हो सकती है, इसीलिए मेनिस्कस को रिपेयर करना बेटर होता है। अगर आप में से किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप हमें बिल्कुल, आप अपनी MRI रिपोर्ट्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं, हम रिपोर्ट्स को देख कर आपको कॉल बैक करेंगे। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9928841020। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।